माँ ये देखो ये मेरा व्हाट्सएप है, आपको पता है इससे क्या क्या होता है? क्या होता है इससे? ना हम किसी से भी चैट कर सकते हैं, कभी भी फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा तो अभी हम मामा को कॉल कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। ठीक है लगाओ, ये देखो मामा, मामा से बात कर लो। अरे वाह, ये तो मतलब कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं। हाँ आप रुको मामा, अभी मैं आपको फेसबुक इंस्टाग्राम और सब कुछ दिखाऊंगी, आप बोलोगे कि ये क्या है। ठीक है दिखाओ मामा, दिस इज माय फेसबुक। ठीक है ये मेरा फेसबुक है, तो इसपे ना मैं फोटोज डालती हूँ, तो ये ना सब ना मतलब बहुत लोग देखते हैं, इसपे लाइक्स आते हैं और इससे पॉपुलैरिटी मिलती है। अच्छा मतलब फेसबुक से लोग जानेंगे तो सब चाहिए, मतलब तुम बीमार हो तो वो तुमको मिलने आएंगे? अरे नहीं मामा, मिलने नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे लाइक्स देंगे, लोग मुझे पहचानेंगे। अच्छा लेकिन घर पे नहीं आएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है मामा, मैं आपको ना अभी इंस्टाग्राम दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा होता है ना, वो ना अलग होता है, उस पर भी फोटोज डालते हैं, वीडियोज डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं। अरे सब पे तो वीडियोस डालती है, सब पे तो फोटोज डालती है, तो सब तो सेम ही हो गए ना? नहीं मम्मा सब सेम नहीं होते, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, सबकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, मतलब सब बहुत फेमस होते हैं ना। अच्छा चल दिखा दे मुझे क्या है तेरा इंस्टाग्राम। ठीक है मम्मा ये ना मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है मैंने ये बहुत पहले चालू किया था, अभी ना इसपे ना बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए। पता है मम्मा मेरे 11,000 फॉलोअर्स है, आपको पता है ये मतलब मुझे बहुत लाइक्स आते हैं, मतलब मेरे फोटो पे कमेंट्स आते हैं। अच्छा वो सारे तेरे बर्थडे पे घर आते? अरे मम्मा सबको कहाँ घर पे बुलाऊंगी, वो तो सोशल लाइफ के फ्रेंड हैं। तो फिर इतने सारे फ्रेंड रख के तुम करती क्या हो? मम्मा स्ट्रेस होता है ना, तो मतलब सब कुछ जानने के लिए। अभी रुको रुको मम्मा, मैं आपको ना फेसबुक के बारे में बताती हूँ, उस पर ना आपको न्यूज दिखाती हूँ, आप सोचोगे ये बहुत कमाल की चीज है, खाली फेसबुक की नहीं है, मतलब इस पर खाली पिक्चर्स और वीडियोस नहीं है, मैं आपको न्यूज सुनाती हूँ। ठीक है आप देखो, अभी ना अभी क्या है अभी बहुत सारा कोरोना बढ़ गया है, ठीक है तो अभी ना मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और कितने केसेस होते हैं ना वो ना डेली देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे कितने लोग मर गए हैं, क्या हो गया है, सब हम इस पर देख सकते हैं। तुम इस पे खाली जो मर गए हैं वो देख सकती हो, क्या उनका दुख बांट सकती हो? नहीं मम्मा नहीं बांट सकती, तो फिर क्या फायदा है उसका मम्मा? लेकिन पता चलता है ना किसको क्या हुआ है, कौन कितनी तकलीफ में है। अरे बेटा तकलीफ में ना सब होते हैं, लेकिन सब फेसबुक पे नहीं जताते हैं, सब इंस्टाग्राम पे नहीं जताते हैं, तुम्हें समझना पड़ता है, जब तुम किसी को जानते हो पर्सनली तब तुम्हें पता चलता है कि भाई वो कितना प्रॉब्लम है, उसकी तकलीफ क्या है। फेसबुक पे तो सब स्माइल करते हैं, सब अच्छा फोटोज डालते हैं। थैंक यू, वेल डन। ओके मेक श्योर यू मेंटेन द टाइमिंग, द टाइमिंग इज अलॉटेड 2 मिनट्स स्लॉट इज अलॉटेड टू ईच पार्टिसिपेंट्स। ओके ओवरऑल इट इज गुड। ओके मेंटेन आई कांटेक्ट। See, when you're presenting something for a competition, make sure the things which you use as a dialogue should be clear enough that audience and the judges that get it, they get it straight. They don't have to think, yeah, what she's saying or what she's trying to portray. It should go like to one point. क्या हुआ है तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं मैं
कर्ज चुकाने बोलूंगी मुस्कुराहटों कर्ज चुकाने बोलूंगी मुस्कुराऊं तो सही तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं चली देखो प्यार की घनी दिल रुके ना मुझे मैं चली ना मेरी चा देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटेरा मेरी जान मैं चली एक्चुअली यू सैंग रियली वेल बट आप करोके जरा ऐड करते हैं ना म्यूजिक बैकग्राउंड तो अच्छा रहता है इट्स अ कॉम्पिटिशन ना यस तो थोड़ा अच्छा बेहतर होता यस अदरवाइज ओवरऑल अच्छा था और आप जब सिंग कर रहे हो तो आप सामने नहीं देख रहे हो लाइक यहाँ वहाँ देख रहे हो आप अपने ही धुन में हो दैट इज एक्चुअली गुड वो आप अपने वो फील से गा रहे हो बट ट्राई टू सी इन द कैमरा साइड दैट विल बी बेटर हाय मायसेल्फ मुस्कान टुडे वी आर एट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ गोवा टू बी अ पार्ट ऑफ ब्यूटी पेजेंट फ्रीडम Prince and Princess Season 3. Basically, we are organizing this pageant to appreciate Corona Warriors and to give a platform for freshers, youngsters and ambitious people in the world of fashion and glamour. Today here we have Mr. Naushad. Can you share your experience with us? Hi, I'm from Bangalore. Main isme first time. एक्चुअली ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि कुछ फैशन या ग्लैमर इसमें दिखाने के लिए इसमें फर्स्ट एक्सपीरियंस This platform is completely different. You have to be very different in talent. Okay, singing, acting, dancing is not only the talent. Okay, you can think out of the box and come out with this next time. Okay, all the best. See, I'm just a advisor. I'm not a judge or I wanted to ask you, what is important?
whether music is important or words are important. As far as any song. Lyrics are important. In lyrics means words, you mean to say. Okay? So here what has happened, music is more louder than your words. So this is what yeah. I feel. Actually, yeah. Correct. Okay. So everyone here, this is not an advice for a particular person, for everyone. I guess you are from Nepal, right? There is a famous actress from Nepal. Manisha. One more. Manisha. 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 One more. Okay, chhod do. Mala Sinha. What I'm talking about of my era. We'll be right back.
गाणं स्टार्ट झालं जी बीट पकडली शेवटपर्यंत बीट आणली वा Are you aware who are the Lavani specialist dancers in Maharashtra? Anyone? Sonali Kulkarni. Okay. Amrita Kalkar. But original, original. Huh? See, this is the film, what you are talking about the film. Huh? Okay. So, original Lavani performance. Surekha Punekar. She was a original. There are many more. I'm not talking about the... See, this is the Maharashtrian folk dance. Yeah. Okay, not a filmy dance, huh? This one. मुझे लगा था पहले कुछ आवर्स तक ट्रेनिंग देनी है फिर कुछ भी है ना सी टैलेंट इज नॉट जनरेटेड इन यू आवर्स टैलेंट इज टैलेंट आपके जो अंदर टैलेंट है वही दिखाना है मे बी इट इज एनीथिंग गाना थोड़ा मिस हो गया ना सॉन्ग दिस इज ओके गाने का बात नहीं कर रहा बट मैं मुझे जब जानना था कि आपने ओनली डांस क्यों चुना मे बी यू आपके पास और बहुत सारे टैलेंट्स रहेंगे नहीं सिंगिंग भी आती है इट इज फॉर ऑल हां इट इज फॉर ऑल अभी सिंगिंग भी करूंगी हां सिंगिंग भी सिंगिंग रह रहा मेरा अभी कब करूंगी अभी थोड़ा सा सांस ले लूं आप खुद ही देख सकते हैं मेरी कंडीशन इट इज ओनली वन परफॉर्मेंस अलाउड आई थिंक सो राइट आपका हो गया सनी ये बोला था कि कितने भी कर सकते हो कि जो भी टैलेंट है आप शो कर सकते हो नहीं